आम आदमी यूं तो हमेशा महंगाई की मार से जूझता रहता है, लेकिन अभी हालात ये हैं कि सब्जी की दुकान पर जाने से पहले भी आम आदमी को कई बार सोचना पड़ रहा है। बाजार में लगातार टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां टमाटर आम दिनों में 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिकता था, वहीं आज टमाटर लगभग 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटरों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लखनऊ की मंडी परिषद द्वारा मंडी में सस्ते टमाटरों का स्टॉल लगाया गया, जहां 75 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन शर्त ये है कि यहां अब 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए अपना डिटेल देना होगा, जिसमें व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और पता शामिल है। आजकल के बढ़ते भाव में भैया, है ना, ये टमाटर जो मैं ले जा रहा हूँ, है ना, ये टमाटर आजकल के भाव में सोने के भाव हो गए। तो ये मंडी परिषद ने जो ऐसा ऑफर किया है ना, ये 75 रुपये किलो मुझे मिला है, इसके लिए मुझे यहाँ पर अपना नाम और पता नोट करवाना पड़ा। और 1 किलो ही दे रहे हैं, ठीक है, छोटा परिवार चल जाता है 1 किलो में। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मंडी परिषद का, और बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार का। मैं जो है टमाटर खाली लेने नहीं आया, देखा बिक रहे हैं ले लिया, और सब्जी लेने आया था तो मिट्रा इधर सस्ते थे, पता पेपर में निकला था तो ले लिया। और क्या रेट में टमाटर यहाँ? 75 रुपए किलो। और बाहर मार्केट में क्या रेट चल रहा है? ये 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है। तो क्या कुछ डिटेल यहाँ पे आपको अपने नोट कराने पड़े? बस अपना मोबाइल नंबर, नाम पर्टिकुलर पता दे दिया पड़ा, बस और कुछ नहीं। साथ ही विभाग के द्वारा यहां एक बार में एक व्यक्ति को 1 किलो टमाटर ही दिया जा रहा है, और अपने साथ झोला या थैला भी लाना होगा। मैं चल रहा, अभी इतनी दूर तो आना पड़ा थोड़ा सा, तो लाने के लिए अब मिला 75 रुपए तो ले रहे, जब मार्केट में 150 रुपए है तो कम से आधे पे तो है। और डिटेल तो नाम, पता, मोबाइल नंबर, बस ये 3 चीज मांगी जाएगी। तो किस तरह से ये टमाटर की खरीद फरोख की जा रही है, क्योंकि मार्केट में जो टमाटर मिल रहा है वो 160? नहीं, खरीद फरोख तो जो वहाँ थोक रेट पर जो आता है वही आज व्यापारी से लेते हैं हम लोग। लोग 1 किलो से ज्यादा टमाटर न लें, इसके लिए हर व्यक्ति का डाटा भी मंडी समिति द्वारा अपने पास रखा जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।